ये निकल गई मेरी चाय और नारियल पानी। अयुब नाश्ता भी नहीं करे, बोले तू पहला मुंह धो के आ जा। तो मैंने भी फ्रेश हो गई और चलो फिर मैं भी बैठती हूँ उनके साथ नाश्ता करने। मेरा नारियल पानी, दवाई, चाय कितनी फ्रेश है। ये देखो पूरा नाश्ता देकर रखी, चाय पूरी ठंडी होने को आई, पानी पिए, तैयार बैठे थे। देखो अस्सलाम वालेकुम भाई, बहरी आएगी तो साथ में नाश्ता करेंगे ना। अल्लाह क्या, मैं तो काम धंधे में बाहर निकल जाता हूँ 4-8 दिन, फिर आता हूँ ऐसी जिंदगी। अल्लाह बस ऐसी हम लोगों की मोहब्बत रखे, बुरी नजरों से बचाए परवरदिगार, और जो टोक की नजरें थी हमारे पर अल्लाह उसको दूर करे और तुम्हारे को अल्लाह कामयाब करे। कभी गाड़ी छोड़ मत देना कहीं पे भी। मेरे को क्या गाना याद आया मानू, कभी अलविदा ना कहना। तेरी उसको बोल अभी चालू कर देगी वो। एलेक्सा एलेक्सा मूड में नहीं आज। वो भी बोलती क्या यार, डैडी जा रहे तो मेरा मूड नहीं है। इन्हें तकिए के नीचे पैसे रखे थे छोटे दोबारे। चलो संभाल के जाओ, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए, अल्लाह इतनी बरकत दे तुम्हारे काम में कि पूरे परिवार का जो कंधे पे बोझ है अच्छे से निभा सके। आमीन। ओके चलो अल्लाह हाफिज। और नीचे है अली, क्या बोल रही हो, फोन करे अली को। हाँ है अली नीचे, जाओ संभाल के, मैं फोन कर देती हूँ। अयुब तो निकल गए अपने काम से और आज है संडे। जैसे अयुब का भी काम हो या मेरा काम हो या आप लोगों का काम हो, जब काम का दिन मोस्टली होता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे का किसी किसी का हाफ डे भी रहता है, तो उसी तरीके का काम मेरा भी है और अयुब का है। पर अयुब को ट्रैवलिंग करना रहता है, दूर जाना रहता है, काम की जगह पे टाइम पे पहुंचना रहता है, तो उसके लिए उनको 24 घंटा 48 घंटा पहले निकलना रहता है। तो वो तो अपने काम से निकल गए क्योंकि मंडे के दिन उनको काम रहेगा और मुझे तो कुछ काम नहीं क्योंकि आज संडे है, मेरा भी काम मंडे से ही रहता है। तो मैंने सोचा कि आज घर बैठ के क्या करूं, अयुब रहते थे थोड़ा घूमने चले जाती हूँ, अमीन के साथ चली जाती, फिर 2-3 दिन से तो अयुब घुमा फिरा के खिला पिला के बहुत मस्त एकदम जी भर दिए, मेरा मन भी नहीं आज कहीं जाने का। तो अभी तो बच्चों का जस्ट कबर्ड मैंने साफ कर दियो, ये देखो ये बच्चों का कबर्ड, अभी सब कपड़े घड़ी करके सब क्लीन करके रखे है। तो अब बारी है मेरी, क्योंकि मेरे कबर्ड में तो जैसे हाथ आप हल्का भी छुओगे ना तो बस वो गिरने लग जाते हैं। ये इस तरीके से मेरे कबर्ड का हाल है, ये देखो ये अभी ये दो थोड़े से क्लीन किए, पर वो मुझे इसमें से काफ़ी सारी ये जो साड़ियां हैं, काफ़ी सारी साड़ियां मुझे निकालनी है, मुझे नहीं चाहिए कंटाला था कितना पहनूँ, और ये वाले सब जो है वो रखने हैं। और मुझे कोलैबोरेशन में इतने सारे पर्स चप्पल आए तो वो सारे मेरे विंडो पे वहाँ कॉर्नर में पड़े हुए हैं, उसको सेट करके रखना है। बच्चों के कपड़े इस्त्री किया है वो सेट करके रखना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा टाइम आज घर के कामों में जाएगा और बीच बीच में अयुब से बच्चों से बातें करते रहूँगी, तो मेरा टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं है मुझे। काम कर रही थी तो अमीन बोला चलो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। मैंने उसको पहले ही पूछी तेरा चिकन निकाल दूँ, तो कहता संडे मम्मा थोड़ा चीट कर लेता और जिम से आके एकदम थक के लेटा भी है, ये देखो। और इसने कर दिया था ऑर्डर और मैं काम जस्ट शुरू ही करी थी उतने में इसका ऑर्डर भी आ गया, तो चलो मैं भी इसके, मैंने उसको बोली तू अब कुछ मंगाएगा तो मैं भी खाऊंगी, तो इसके साथ मैं खाना खाने वाली हूँ। पता नहीं इसने क्या मंगाया, मुझे कुछ पता नहीं है, तो चलो फिर आपको भी दिखाती हूँ कि क्या हम खाएंगे आज लंच में। ऑर्डर भी हो गई गलती, मेरे लिए मंगाया था जिंगर बर्गर और क्रिस्पी हॉट क्रिस्पी पीस है ना, और अमीन के लिए तो ये जिस दिन उसको चीट करना था ये उसके बहुत फेवरेट है, ये एक्स्ट्रा आते हैं फिर उसके लिए, ये बिग साइज, ये बराबर आ गया है मेरा और ऑर्डर नहीं आया है। चालू है भाई साहब का, चालू है सब बात करना। क्या मस्त लग रहा है देखो शाम का नाश्ता, ये मैंने अभी घर पे तली हूँ और उसको थोड़ा सा झोंक दी हूँ तिल से, अपने लिए बना ली चाय, क्योंकि अयुब रहते तो 3-4 बार चाय बनती है, पर मेरी तो अभी बनी, काम करते करते सो गई थी, जस्ट उठी अभी अगरबत्ती वगैरह की, अयुब से बात की और मैंने चाय बना ली, तो चाय बनाई अब बस चाय पी के, एक मेरा काम है पेंडिंग का, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो काम पहले पूरा करूँ और इंशाल्लाह उसके बाद दूसरा काम। पी रही हूँ चाय, पर पीनू देखो ले रही है मज़े बाहर के, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना।
बाप रे, मैंने आपको बताया ना मेरा एक पेंडिंग काम है वो मेरा हो चुका है, तो बहुत मेहनत लगी है भाई वो काम पूरा करने के लिए, और बैंड भी बजानी पड़ी तब जाके हुआ है। और मैं हमेशा बिलीव किधर करती हूँ पता है, रूबरू करने में, ऐसा बड़बड़ बड़बड़ करके काम करने में मजा नहीं आता मेरे को, तो इसीलिए खामोश रहती हूँ। रूबरू जो बैंड बजती है ना उसका मजा और उसका रिजल्ट अलग होता है, तो मैं थक गई हूँ तो इसीलिए मेरी एनर्जी ड्रिंक है मोगो मोगो, तो मैं पी रही हूँ ताकि दोबारा एनर्जी आ जाए, और फिर कभी किसी की बैंड बजानी पड़े तो एनर्जी अंदर होनी चाहिए। रात को सीरीज देखने में सुबह हो गई मेरी लेट, और उसी के साथ साथ सोफे के रिपेयरिंग वाला भी आ गया, और सोफा के रिपेयरिंग के साथ साथ गंदगी जो थी मतलब पनौती पूरी निकल गई मेरे घर से बाहर। मुझे भी आज जाना है बाहर क्योंकि आज है मंडे, काम का दिन। आइए नाश्ता करने के लिए इडली वड़ा सांभर चटनी, उसके साथ चाय, नारियल पानी, और दवाई तो मैंने पी ली हूँ। और अली भाई ने भाई नाश्ता लेके मेरे को बोले कि मम्मा नाश्ता कर लो, मेरी सुबह भी बहुत लेट हुई आज।